विगत 5 सालों से प्रयागराज में एक बहुत खूबसूरत पहल 26 जनवरी को होती है। प्रयागराज स्थित खुसरो बाग में सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन होता है और इस बार भी क्रिकेट मैच सद्भावना पूर्वक खेला गया। इस क्रिकेट मैच का संदेश हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। यहां सब एक होकर भारतवासी होकर क्रिकेट मैच खेलते हैं। इस बार डॉक्टर नितिन शर्मा फाइटर टीम और हिलाल अहमद साइलेंट किलर के मध्य मैच हुआ। डॉक्टर नितिन शर्मा की टीम विजय रही। मोहम्मद खालिद, महेश गुप्ता, अभिषेक शेखरी, मोहम्मद इमरान, हिमांशु केसरवानी, एडवोकेट डॉक्टर अली दानिश ने इनामों का वितरण किया। बेस्ट बॉलर संयुक्त रूप से मोहम्मद हामी और नितिन केसरवानी रहे। बेस्ट बैट्समैन रवि कुशवाहा और अभिषेक शेखरी को दिया गया। बेस्ट ऑलराउंडर डॉक्टर नितिन शर्मा और ललित ब्रावो को दिया गया। मोहम्मद खालिद ने बताया आगामी सद्भावना मैच 15 अगस्त के दिन होना तय हुआ है। सभी तो मेरे सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत हम लोग 4 या 5 साल से खुसरो बाग में सद्भावना क्रिकेट मैच करते हैं और इस सद्भावना क्रिकेट मैच का मेन मकसद रहता है कि जितने भी हमारे भाई हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके इसमें खेलते हैं। यहाँ जब आदमी खेलता है वो ना किसी संप्रदाय से है ना किसी जाति से है, वो यहाँ एक भारतवासी है और यही हम लोग का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। और ऊपर वाले ने चाहा तो इस मैच को हम और लंबे स्तर पर ले जाएंगे और हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी में ये मैच कराएंगे। धन्यवाद। भारत माता की।